नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन करते हैं सेवन क्या देखा है फोर अपॉन में टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट सेवन इज इक्वेस्ट टू दिस कैन बी से भैशनल नंबर हटाना है इरेशनल सॉरी तो क्या करते हैं रैशनलाइज दो नंबरों में तो रैशनलाइज कर देते हैं तीन में तीन में भी कर दो किसी भी दो को एक मान लो जो लास्ट बचा उसको दूसरा मान लो सिंपल सा तो क्या बना फोर अपॉन टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट सेवन मैं इसको ए मानता हूं इसको क्या मानता हूं बी तो नीचे ए प्लस बी है तो रैशनलाइज करने के लिए क्या टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन से डिवाइड से तो से से सही है ऊपर क्या रहेगा फोर टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन और नीचे क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना मतलब काफी बार फॉर्मूला पढ़ लिया अब तो ये तो तो ए का स्क्वायर माइनस बी का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर एज इट इज रैंडू ठीक है अपॉन में देखो बेटा अपॉन में क्या करेंगे ओपन कर देंगे टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री माइनस का सेवन फोर प्लस थ्री सेवन ये सेवन से सेवन गया और नीचे देखो फोर बच रहा है तो वो भी फोर भी चला गया तो टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन बाय रूट थ्री इतनी बात समझ आ गई सबको है हाँ ना इतनी बात समझ आ गई हाँ अभी यहाँ तक हो गया नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग ठीक है नेक्स्ट क्या लिखा भाई ये एक बार देख लें हो गया इसके टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन रूट सही है क्या लिख रहा इसको मैं लिख रहा बाई थ्री है ना आप लोग देखो रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी प्रूफ निकाल अपना एबीसी के हो तो सकता है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं फोर बाय थ्री का अंडर रूट प्लस वन को क्या लिख सकता हूं वन का अंडर रूट माइनस ये क्या लिखा हुआ बेटा सेवन बाई थ्री का अंडर रूट तो ये रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट सी इस फॉर्म का आ गया तो मतलब आपके पास ऑप्शन बना ए की वैल्यू आती फोर बाय थ्री बी की वैल्यू वन सी की वैल्यू सेवन बाई थ्री या और क्या ऑप्शन बन सकता है की वैल्यू वन बी की फोर बाय थ्री सी की वैल्यू सेवन बाय थ्री तो देख लो भैया वैल्यू क्या बी की वैल्यू फोर बाय थ्री बी की वैल्यू वन बी की वैल्यू फोर बाय थ्री बी की वैल्यू वन मतलब अभी तक तो यहां पर भी सही है उसके बाद क्या कहता है ए की वैल्यू वन और फोर बाय थ्री ए की वैल्यू वन और फोर बाई थ्री ही नहीं तो इसका मतलब A की ऑप्शन रह गया कौन सा इज योर करेक्ट आंसर आगे बात समझ में सबको बढ़िया क्वेश्चन था आप लोगों ने टू प्लस रूट थ्री को ए माना जरूरी नहीं कि टू प्लस रूट थ्री को मानो हो सकता है आप टू प्लस रूट सेवन को भी मान सकते हो या सिर्फ टू को भी ए मान सकते हो रूट थ्री प्लस रूट सेवन को भी बी मान सकते हो जैसे मर्जी करो आंसर आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग ट्राई करना घर पर इस चीज को लेकर भी है ना ओके नेक्स्ट चलते हैं